गणेश जी और वेद व्यास एक साथ महाभारत लिखते हुए, बहुत ही अच्छी कहानी है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब महर्षि वेद व्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे, तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उनकी एक शर्त थी जो पूरा महाभारत लेखन को एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन वेदव्यास ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त रखा और कहा, गणेश, आप जो भी लिखोगे समझ कर ही लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए। दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेदव्यास जी महाकाव्य को अपने मुंह से बोलने लगे और गणेश जी समझ समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी का कलम टूट गया। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल ना सका। गणेश जी समझ गए कि उन्हें थोड़ा सा गर्व हो गया था और उन्होंने महर्षि के शक्ति और ज्ञान को ना समझा। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबोकर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगे। जब भी वेद व्यास को थकान महसूस होता, वे एक मुश्किल सा छंद बोलते, जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज़्यादा समय लग जाता था और महर्षि को आराम करने का समय भी मिल जाता था। महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष लग गए। वैसे तो कहा जाता है कि महाभारत के कुछ छंद गुम हो गए, परंतु आज भी इस कविता में 1 लाख छंद है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गणेश जी का एक दांत थोड़ा सा टूटा हुआ है और उसके पीछे की वजह थी ये।